हेलो ग्रेड 11, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिमॉर्गन्स लॉ इन द प्रीवियस वीडियो, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हाउ इट इज, हाउ दे आर इक्वल। तो बेटा यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे और उसको राइट हैंड साइड बना दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा होगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ पर जरूर होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, एक्स। तो मैं इसको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, जो ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक सेट है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। एम्प्टी सेट की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा, अगर ये एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी है, दोनों एम्प्टी एम्प्टी इक्वल, तो हमने हमेशा नॉन एम्प्टी के लिए करना होता है, ठीक है, जो भी प्रूव करना है कि ये खाली नहीं है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ पड़ा होगा, ठीक है। मान लो कि वो एक्स पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स इज ए एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट क्या करता है, सेट को बिलोंग करता है। सबसेट क्या करता है, सॉरी, सेट क्या होता है, सबसेट। एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग। तो ये एक्स जो है एलिमेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखूंगी लेट। तो यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अब बेटा आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगानी है। देखो अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। देखो यही है ना कॉम्प्लीमेंट की, अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, यही तो हम कहते हैं ना। देखो ये अगर ए सेट है, दिस इज ए सेट, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है कि अगर एक्स ए यूनियन बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा तो यूनियन की बेटा आप डेफिनेशन लगा दोगे। तो देखो अगर यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा तो इट मीन्स एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा एंड एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे और नहीं लगाना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इट मीन्स ना तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड ना ही एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, और नहीं आएगा। हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा एंड एक्स बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा, तभी तो दोनों की यूनियन लोगे तो उसको बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए डैश को करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को करेगा, ठीक है। और अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को, हाँ। तो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा, बीच में आ गया आपका एंड। तो एंड आ गया, तो एंड का मतलब क्या है कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर और एंड का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन जब भी करना है दिमाग में इमेज बना के करना है कि अगर मेरा एलिमेंट यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये देखो मैंने अगर ए और बी ले लिया, ठीक है, ए और बी की मैंने यूनियन ले ली, ये सारी यूनियन है, दिस इज ए दिस इज बी। अगर मेरा एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या होगा कि एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्शंस की बात नहीं होगी, यहाँ पे और, हिंदी वाला और मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब एंड, जिसको हम इंग्लिश में एंड बोलते हैं। तो एक्स ए को बिलोंग करेगा नहीं करेगा एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पर अगर ए को नहीं कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट को करेगा, बी को नहीं कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट को करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट उठाया था और हमने उस एलिमेंट को, इस एक्स को कहाँ पर पहुँचा दिया, राइट हैंड साइड में, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट जो एक्स आप यहाँ से लेके चल रहे थे, मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। तो ये हमने यहाँ पर लगाना है रिजल्ट, क्लियर। अब वी विल प्रूव
कि अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आप लोगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्या करोगे, अब आप एलिमेंट उठाओगे एक्स, मतलब ये खाली तो नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा फोकस मेरा हिंदी लैंग्वेज पे इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। या ये इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पड़ा होगा। यहाँ पर फिर मैं कोई एलिमेंट उठा रही हूँ एक्स, मान लो कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। अगर x a डैश इंटरसेक्शन b डैश को कर रहा है तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लगा दो इसकी इंटरसेक्शन की, इट मीन्स x, चलो आप यहाँ पे x मत लो क्योंकि x की हमने पहले भी बात की थी, हम y ले लेते हैं, वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि y बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग करेगा a डैश को, इंटरसेक्शन मीन्स एंड y बिलोंग्स टू b डैश, ठीक है। जब डज नॉट बिलोंग है ना तो यूनियन का आपने एंड लेना है, उल्टा करके लेना है, क्योंकि बिलोंग नहीं ना कर रहा, यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं तो एज इट इज डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर ये होता x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, तो फिर आप कौन सी डेफिनेशन लगाते, मीन्स x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर आपकी यूनियन की डेफिनेशन लगनी थी, पर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो यूनियन भी आपकी इंटरसेक्शन बन गई है, ठीक है। तो x, अब देखो इसका क्या मतलब होगा, y कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, y b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स y a को बिलोंग नहीं करेगा एंड y doesn't belongs to b, ना तो y a को बिलोंग करेगा ना ही y b को बिलोंग करेगा। तो अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो इट मीन्स y a और b में से नहीं है, तो y क्या करेगा, a यूनियन b को भी बिलोंग नहीं करेगा, y doesn't belongs to a यूनियन b, सो इन दिस वे यू हैव, देखो आप y doesn't belongs to a यूनियन b, अगर a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा तो y बेटा किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो आपने एलिमेंट यहाँ से उठाया था कि y इज बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, पहुँचा यहाँ पर दिया y को, इट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो आप बेटा इसको नंबर वन दे दोगे, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम वन एंड टू, राइट, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव प्रूव्ड, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों हमें कंबाइंड रिजल्ट्स देंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट, दो लॉज थे ना हमारे पास, दूसरा लॉ प्रूव करते हैं। तो या मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ये है ना, होमवर्क दे देना चाहिए, पर चलो कर लेते हैं डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वी आर टू प्रूव। अगेन वट विल यू डू, लेट x belongings to, take the element from the left hand side, let x belongs to a intersection b complement. If it is belonging to complement, it means it doesn't belongs to intersection, right? अब देखो यहाँ पर doesn't belong आ गया, वैसे तो intersection के according आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर intersection का मतलब and, लेकिन and को belong नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक trick use कर सकते हो, intersection के according आपने and लगाना था लेकिन belong नहीं कर रहा, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, और, ठीक है। तो इट मीन्स x doesn't belongs to a और x doesn't belongs to b, राइट, x doesn't belongs to a और x doesn't belongs to b, दिस implies that अगर x a को belong नहीं कर रहा तो x किसको belong करेगा, कॉम्प्लीमेंट को, और यहाँ पर किसको belong करेगा, b कॉम्प्लीमेंट को। रिजल्ट्स कंबाइन कर दोगे, x belongs to और मतलब यूनियन, यूनियन को कर रहा है, therefore A intersection B complement is subset of A complement union B complement, right? Clear? Now come to the right hand side. Your right hand side is, let, अब आप क्या करोगे, right hand side से element उठाओगे, let y belongs to A complement union B complement. It means y belonging to A complement union का मतलब, yes, और क्योंकि belong कर रहा है ना तो as it is meaning आएगा, ठीक है, और y belongs to b complement. अगर इसको complement को कर रहा है belong, तो किसको belong नहीं करेगा, a को नहीं करेगा, तो यहाँ पर किसको नहीं करेगा, b को नहीं करेगा,
और मतलब सो वाई किसको बिलोंग नहीं करेगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि डजेंट बिलोंग की बात हो रही है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और का मतलब यूनियन, लेकिन हम बिलोंग नहीं करवा रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। वाई डजेंट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देयरफोर ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस वॉज योर नंबर वन, दिस वॉज योर नंबर टू। सो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वट विल वी गेट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये मैंने प्रूव करवाया, होप सो कि इसको प्रूव करके आपको यहाँ पर सेट थ्योरी का एक्चुअल मीनिंग समझ आया होगा कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जो मैंने आपको जितना स्टार्टिंग में करवाया ना, उसमें से बेटा कुछ नहीं आने वाला पेपर में, एक्सेप्ट पावर सेट की कार्डिनलिटी पूछ लेंगे, प्रॉपर सेट की पूछ लेंगे, ये एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पेपर में वो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि सेट दे दिया, यूनियन करो, इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है जो आपको एग्जाम में आना है। एग्जाम में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से 6 नंबर एक क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो क्वेश्चन अब यहाँ से आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो आपका जो मेन टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस अब हम करेंगे, वो भी अच्छा टॉपिक है। तो वो सारा अब थ्योरेटिकल काम चल रहा है सारा, ये इस तरह से ही हमने अब क्वेश्चंस करने हैं। तो जो आपको बेसिक्स था, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, लिखने का क्या तरीका है सेट को, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, वो सिर्फ बेसिक्स था, ठीक है। बेसिक्स में से हार्डली आपको 1 या 2 नंबर के MCQs मिल सकते हैं। अदरवाइज जो मेन पेपर में क्वेश्चंस आने वो यहाँ से शुरू होते हैं, डी मॉर्गन लॉ से। तो डी मॉर्गन लॉ का ये प्रूफ था, तो इसको अच्छे से बेटा रिवाइज कर लेना, लिख के देख लेना अपने आप से। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ग्रेड 11th, योर नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक डिफरेंस। एज इट इज़ नॉट मैंशन इन NCERT, स्टिल यू नो द मीनिंग ऑफ इट्स बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सिमेट्रिक डिफरेंस इज दैट ए एंड बी आर द टू सेट्स, आई वुड लाइक टू से दैट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एम्प्टी की बात नहीं करते हम, राइट, क्योंकि एम्प्टी सेट का कुछ भी नहीं होता, आपको पता ही है, क्या यूनियन करोगे, क्या इंटरसेक्शन करोगे। इफ़ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इट मीन्स ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो जो आंसर आएगा, बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो, फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उन एलिमेंट्स की आपने यूनियन करनी है, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डेल बी, राइट। दिस इज कॉल्ड डेल ए, ट्राइंगल नहीं बोलोगे आप इसको, इसको बोलोगे ए डेल बी। तो डेल का मतलब है हमेशा ही सिमेट्रिक डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दस ए डेल बी की डेफिनेशन क्या होगी, एक्स सच डैट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करके ही पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। और इसको फिर दोबारा से लिखा हुआ है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। वेन एवर यू हैव दिस टर्म, वेन एवर यू हैव ए सिमेट्रिक बी, ए डेल बी, इट मीन्स इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करवाना, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में एक ही बात आपने याद रखनी है कि इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको वेन डायग्राम से होगी। तो लेट्स ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम, पॉज दिस वीडियो एंड नोटेड डाउन एवरीथिंग टोल्ड इन दिस सेगमेंट। लेट्स draw the Venn diagram. Yes students, I have taken 2 sets A and B, right? तो A और B में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा, तो हम बेटा इसको कभी भी जब भी Venn diagram करते हो ना, ऐसे सेपरेट मत रखा करो, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये एक स्पेशल केस है कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अदरवाइज तो 2 sets में कुछ ना कुछ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने जर्नल जब भी बात करनी है तो जितने भी हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं हम इंटरसेक्शन लेकर करते हैं। अगर आपको मेंशन करा हो कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं लेना, तब आप उसको सेपरेट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, दिस इज ए दिस इज बी, अदरवाइज तो इंटरसेक्शन लेके चलोगे। अब सबसे पहले देखो आपने आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट हियर, यू वांट, यस बेटा, यू वांट ए
minus b and b minus a. First of all, I am going to shade that portion which represent a minus b. So बेटा ये देखो, ये a set है, ये b set है, तो a minus b आपका कैसे आएगा? मतलब a में से सारे b वाले निकाल दो, चलो निकाल देते हैं, तो आप shaded कर दोगे, इस तरह से आप shade करोगे. तो बेटा आप देख सकते हो, shaded portion represents a minus b. Now what I am going to do? I am eliminating all the elements of A from B. तो B में से A वाले सारे elements निकाल दो, तो आपको क्या मिलेगा? You will get this portion. और ये portion किसको belong करता है? This portion belongs to, yes, B minus A. Right? This portion belongs to B minus A. तो अब हमने क्या करना है? इनकी क्या लेनी है? Union. A minus B, union B minus A represents the symmetric difference. तो ये होगा symmetric difference, ठीक है? तो बेटा आप देखो, इन दोनों की union लेनी है. इसको और इसकी union करोगे तो कहाँ, कहीं पर मुझे बता दो कि intersection आएगी. ये part आएगा कहीं पे भी नहीं आ रहा ना. ये तो union में आ ही नहीं रहा. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये किसको represent कर रहा है? A intersection B को. इसीलिए इसकी definition हम लिखते हैं. यहाँ पर आप लिखोगे डेफिनेशन, ए सिमेट्रिक बी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल. क्लियर? वेन डायग्राम से तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. तो बेटा आप इसको ड्रॉ कर लो कॉपी पर. अब हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव वन एग्जांपल ऑन सिमेट्रिक डिफरेंस. इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, यू हैव टू फाइंड ए डेल बी. ए डेल मी मीन्स क्या निकालना है आपने? a माइनस बी और b माइनस ए के एलिमेंट्स की करनी है यूनियन. राइट? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है. सबसे पहले आप a माइनस बी कर दो, a में से b के एलिमेंट्स निकाल दो. क्या क्या निकलेगा? 1 3 5 6 7 8. 1 3 5 6 7 8, तो हमारे पास बचेगा ओनली 1 4. ठीक है, नॉट सॉरी 1 4 नहीं, 2 4. वी हैव ओनली 2 4. और अगर आप b माइनस ए करोगे, तो b में से a के एलिमेंट्स निकालोगे तो क्या निकलेगा? b में से a के एलिमेंट्स निकालो तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ 9 ही बचने वाला है. ठीक है, तो b माइनस ए इज 9. देन a डेल b इज, राइट डाउन, a डेल b इज a माइनस b यूनियन b माइनस a. तो यूनियन कर दो, क्या आएगा? 2 4 एंड 9. दिस इज योर आंसर. सो डू दिस टॉपिक ऑन योर कॉपी. Tomorrow we will do the last topic of set theory, that is related to real problems, reality based problems. ठीक है, तब आपको पता चलेगा हमने ये सारा कुछ क्यों पढ़ा है. ठीक है, okay, thank you students.